Hello everyone, welcome to the channel Ianant and you are watching the series Vocabulary with Mnemonics Impossible to Forget. And the first word for the today's session will be frantically. Frantically is the first word and frantically का मतलब क्या होता है दोस्तों? चलिए पहले इसका एक mnemonic बनाते हैं. फ्रांस के लोग काफी frantically होते हैं क्योंकि जब आप ऐसे relate करते हैं, ठीक है, मतलब या ये बोलिए आप, फ्रांस के लोग काफी frantically हो गए जब वहां पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ. फ्रांस के लोग जब फ्रांस में एक टेररिस्ट अटैक हुआ तो काफी फ्रेंटिकली हो गए. तो दोस्तों फ्रेंटिकली एक्चुअली मींस, फ्रेंटिकली का मतलब होता है वाइल्ड बिहेवियर. वाइल्ड बिहेवियर, काफी वाइल्ड उनका बिहेवियर हो गया. और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत चिंता चिंता कर रहे थे, आप ऐसे याद रखना है ना. और इसका एग्जैक्ट मीनिंग भी यही होता है, वाइल्ड बिहेवियर बिकॉज वरीड या फ्राइटन्ड, या तो बहुत चिंता थी उनको या तो बहुत डर गए थे, ठीक है दोस्तों, फ्राइटेंड हो गए थे, इसलिए उनका बिहेवियर काफी वाइल्ड हो गया था. वाइल्ड बिहेवियर बिकॉज दे आर वरीड एंड फ्राइटेंड. सो फ्रेंटिकली मींस वाइल्ड बिहेवियर बिकॉज वरीड और फ्राइटेंड. द सेकंड वर्ड फॉर द टुडे सेशन इज द वर्ड रेकन. रेकन, तो रेकन कैसा लग रहा है? देखिए रेकन की ट्रिक बनाते हैं फटाफट. रेकन को आप देखिए, री री ये मैंने लिखा री, रेकन, कन कन, रिकन, और रिकन से होगा रिकंसिडर. आपने वर्ड आप बना सकते हैं रिकन करिए, रिकंसिडर करिए. और रिकंसिडर करना मतलब क्या होता है? कुछ सोचना, वापस से आप कुछ सोचेंगे. तो रिकन, रेकन, रेकन का मतलब भी हो जाएगा टू थिंक समथिंग. आप कुछ सोचने की अगर बात करेंगे ना तो आप बोलेंगे रेकन. टू थिंक, टू थिंक आप बोल सकते हैं. और आप बोलेंगे टू हैव एन ओपिनियन, टू हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग. तो ये था रैकन का मतलब. रैकन को आप रिलेट करेंगे रिकन, रिकन, रैकन, रिकन, रिकंसिडर. रिकंसिडर मींस टू थिंक, टू हैव एन ओपिनियन, टू हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग. तो ओपिनियन के लिए भी आप सोचेंगे. चलिए थर्ड नंबर का आज का हमारा वर्ड हैगा सकम. सकम एंड सकम वर्ड को आप ऐसे याद रखिए कि एक बच्चा है, एक बच्चा है और वो अपने अंगूठे को चूसता है. तो सकथम आप बोलिए, बच्चे जनरली अंगूठा चूसते हैं छोटे बच्चे. तो सकम कर रहा है ऐसे, आप एक बच्चा अपने थंब को सक कर रहा है और उसके पेरेंट क्या करते हैं, उसको बहुत कोशिश करते हैं, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि वो आदत छुड़ा पाए, लेकिन फाइनली उसके पेरेंट्स ने हार मान ली, है ना. तो सकम का मतलब हो जाएगा टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट डिफीट. क्योंकि बच्चा मान ही नहीं रहा था, अंगूठा चूसना छोड़ ही नहीं रहा था, सक करना थंब को छोड़ ही नहीं रहा था, तो उसके पेरेंट्स ने क्या कर दिया, सक्कम कर दिया, सक्कम कर दिया. टू एक्सेप्ट डिफीट, उन्हें हार मान ली, लड़ना छोड़ दिया. ये भी आप बोल सकते हैं टू स्टॉप फाइटिंग, वैसे जनरली ज्यादा सही मतलब आप बोलेंगे टू एक्सेप्ट डिफीट, टू एक्सेप्ट डिफीट. आज के सेशन का फोर्थ नंबर का वर्ड होने वाला है टर्स. टर्स एंड टर्स वर्ड साउंड्स लाइक वर्स. टर्स वर्स, वर्स क्या होते हैं? जो पोएम्स होती हैं, आपने पोएम्स काफी सारी देखी होंगी, पोएम्स में वर्सेस होते हैं बहुत सारे, छोटे छोटे एरियाज में पोएम को डिवाइड कर देते हैं, वर्सेस में डिवाइड कर देते हैं, उसमें बहुत छोटी छोटी बातें लिखी रहती हैं, वो पूरे वर्सेस मिलके पूरी पोएम को कंप्लीट करते हैं. तो टर्स साउंड्स लाइक वर्स. और वर्स कैसे होते हैं? वर्स बहुत कम शब्दों में लिखे जाते हैं ना, और बहुत सारे मिलके तो एक पोएम कंप्लीट करेंगे. तो टर्स रिलेटेड टू वर्स, एंड वर्स का मतलब होता है सेड इन फ्यू वर्ड्स. तो टर्स का मतलब हो गया सेड इन फ्यू वर्ड्स, कोई चीज है जो बहुत कम शब्दों में बोल दिया आपने, टर्स किया, यू यू टर्स, ठीक है. तो सेड सेड इन फ्यू वर्ड्स. और एक चीज हमको बस याद रखनी होगी कि ये जो टर्स वर्ड होता है ये जनरली फ्रेंडली वे में आप नहीं करते हैं. सो द एक्चुअल मीनिंग वुड बी सेड इन फ्यू वर्ड्स एंड नॉट वेरी फ्रेंडली. आपने बहुत कम शब्दों में कुछ कहा और नॉट वेरी फ्रेंडली, मतलब आप फ्रेंडली भी नहीं थे उस चीज को बोलते हुए. तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप टर्स कर रहे हैं. आज का फिफ्थ नंबर का हमारा वर्ड है एडजर्न. एडजर्न एंड एडजर्न वर्ड, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड सो मेनी टाइम्स इफ यू वॉच इंडियन मूवीज और एनी मूवीज. अगर वहां पे कोई कोर्ट सीन हो रहा है, जज और जस्टिस की अगर आप कोई सीन देखेंगे तो जो जज लोग होते हैं, जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो हमेशा एक चीज बोलते हैं, द कोर्ट इज एडजर्न्ड. द कोर्ट इज एडजर्न्ड, मतलब अब जो कोर्ट है वो एडजर्न्ड हो चुकी है, मतलब उन्हें क्या दे दिया, ब्रेक दे दिया है, आगे की कार्रवाई आगे कंटिन्यू होगी, अभी के लिए एडजर्न हो गया है. तो एडजर्न का मतलब हो जाएगा दोस्तों, सो द मीनिंग ऑफ एडजर्न विल बी
ब्रेक, ये ब्रेक तोड़ने वाला ब्रेक नहीं, ये रिसेस वाला ब्रेक है, ब्रेक रिसेस, और क्या बोल सकते हैं, सस्पेंड अ सेशन, कोई सेशन चल रहा था उसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया, सस्पेंड अ सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का 6 नंबर का हमारा वर्ड है ड्विंडल। ड्विंडल, तो ड्विंडल का जो मतलब होता है, ड्विंडल का मतलब होता है टू बिकम समथिंग दैट बिकम, या टू बिकम स्मॉलर, स्मॉलर, और यू कैन से वीकर, और यू कैन से वीकर। तो चलिए इस वर्ड के लिए कुछ, तो चलिए इसका क्या नैमोनिक बना सकते हैं देख लेते हैं हम। सो ड्विंडल, ड्विंडल, इसमें आपको विंड वर्ड दिखाई दे रहा है, ये विंड दिख रहा है यहाँ पर, विंड, और ये जो डी है आप इसको बोलिए द, तो द विंड ड्विंडल, द विंड ड्विंडल मतलब हवा जो है, जो विंड है वो क्या हो गई, अचानक से कमजोर पड़ गई। सो आप कैसे बोलेंगे ड्विंडल, तो आप कैसा बोल सकते हैं इसको, द विंड ड्विंडल, द विंड ड्विंडल मतलब जो हवा है वो जो हवा है वो वीकर हो गई, वो कैसी हो गई, वो कमजोर पड़ गई, हवा का जो बहना था वो कमजोर हो गया, कम हो गया। तो आप ऐसे इस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं इजिली, ड्विंडल द विंड, द विंड ड्विंडल, द विंड कैसी हो गई आपकी, बिकम वीकर। आज का 7th नंबर का हमारा वर्ड होने वाला है कॉन्स्टनेशन, कॉन्स्टनेशन, और इस वर्ड को तो आप ऐसे देखिए, कॉन्स्टनेशन नहीं, हम इसको बोल रहे हैं मॉन्स्टरनेशन, क्या बोल रहे हैं पता है दोस्तों, मॉन्स्टर नेशन मतलब आप मान लीजिए आप सुबह सुबह उठे हो, आप न्यूज देखे हो, आप या न्यूज़पेपर पढ़े, और आपको पता चले कि एक नेशन के बारे में पता चला है जिसका नाम रखा गया मॉन्स्टर नेशन, मतलब उस नेशन में, उस कंट्री में सारे मॉन्स्टर है, तो आप क्या हो जाएंगे बताइए, आप क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसी कोई न्यूज मिलती है तो आप कॉन्स्टनेशन का मतलब ऐसे याद रखना, तो आप कैसा फील करेंगे, आप शॉक्ड फील करेंगे, फीलिंग शॉक्ड, आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे, क्या बात है यार, आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे, आप शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या बात कर रहे हैं यार, यहाँ पे मतलब कोई मॉन्स्टर नेशन भी है, कोई ऐसा नेशन है जहां पे मॉन्स्टर है, तो मॉन्स्टर नेशन मीन्स कॉन्स्टरनेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कॉन्स्टरनेशन, एंड कॉन्स्टरनेशन का मतलब हो जाएगा फीलिंग शॉक्ड। 8th नंबर का आज का हमारा वर्ड है एस्पर्जन, एस्पर्जन का मतलब होता है दोस्तों एन एक्ट ऑफ डिफेमिंग, आप किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, एन एक्ट ऑफ डिफेमिंग, किसी को आप डिफेम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एस्पर्जन को आप ऐसे याद रखिए कि आप किसी पर्सन को एस बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप किसी पर्सन को एस बोल रहे हैं, और एस का मतलब होता है गधा, और एस का मतलब होता है गधा, तो आप अगर किसी को गधा बोलेंगे सबके सामने तो आप उसको एक्चुअली डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे इस वर्ड को याद रखिए एस्पर्सन, एस्पर्सन। चलिए 9th नंबर का आज का हमारा वर्ड होगा एफ्लुएंट, अफ्लुएंट, और एफ्लुएंट वर्ड को आप रिलेट करिए फ्लुएंट से, और जो इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोलेगा उसको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी और वो बहुत धनवान हो जाएगा क्योंकि उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी। तो एफ्लुएंट का मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, एफ्लुएंट का मतलब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। द लास्ट वर्ड फॉर द टुडे सेशन वुड बी सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब दोस्तों होगा यहाँ पे सर्टिट्यूड, आप किसी को बोल रहे हैं सर्टेन ड्यूड, आपका दोस्त है आप उसको ड्यूड बोलेंगे, तो आप बोल रहे हैं सर्टेन ड्यूड, मतलब कोई चीज पे आप एग्री करते हो, बोलते हैं सर्टेन है वो चीज, तो सर्टेन ड्यूड है, ड्यूड इट्स सर्टेन, सर्टेन ड्यूड, सर्टिट्यूड मतलब सर्टिट्यूड भी यहाँ पे सर्टेन से रिलेट करेगा, मतलब आप बहुत श्योर हैं किसी चीज के बारे में, यू आर कंप्लीटली श्योर अबाउट समथिंग एंड यू हैव नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो सर्टिट्यूड का यहाँ पे मतलब हो जाएगा कंप्लीटली श्योर, कंप्लीटली श्योर, आप बोलिए नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, है ना। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स, एंड आई होप आप लोगों को लेक्चर पूरा समझ में आया होगा और ये वर्ड आपको याद हो चुके होंगे नमोनिक्स के साथ एंड ट्रिक्स के साथ। तो आपको अगर ऐसे ही वर्ड्स को रिमेम्बर करना है, याद रखना है, तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ई अनंत को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा देना, आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहेंगे, एंड यू कैन इजिली एनहेंस योर वोकैबुलरी विद अस। थैंक यू वेरी मच गाइस।